Hello everyone, so in this video I am going to tell you about the therapeutic effects and contraindications of UV rays. तो उससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों को एक चीज़ का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बार बार आएगा आगे. तो ये जो सारी है ये UVR की डोजेस है. तो जो फर्स्ट है वो है E0, E1, E2, E3 एंड E4. तो जो E0 है उसको हम सब इरिदमल डोज भी बोलते हैं, और जो E0 होता है वो सबसे ज़्यादा माइल्ड होता है. फिर जैसे जैसे आगे आगे बढ़ता है तो फिर जो E4 होता है उसको बहुत ज़्यादा हाई डोजेज होती है, और E0 जो होता है वो सबसे ज़्यादा लो डोजेस होती है UVR की. तो ये जो और एक चीज़ और है जो आपको याद होनी चाहिए कि जो E4 है वो सिर्फ़ और सिर्फ हम ओपन वूंड्स के अंदर देते हैं, जैसे कि प्रेशर सोर हो गया, या फिर जब हम सर्जरी करते हैं और इंसिजन लगाते हैं तो वहाँ पे भी वो भी ओपन वूंड होता है, तो उस टाइम पे हम E4 डोज देते हैं. तो ये सबसे माइल्ड होता है, फिर धीरे 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 डोज जो है वो बढ़ती जाती है. और इसके जो डोसेज जो है उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगी. तो हमारी जो फर्स्ट डिजीज़ है जिसमें यूवी रेज का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो है सोरियासिस. तो सोरियासिस क्या होता है? बेसिकली वो एक स्किन की डिजीज़ होती है जिसके अंदर नॉर्मली तो क्या होता है, जैसे सपोज करो कि ये हमारी स्किन की लेयर है, और डीपर लेयर्स के अंदर हमारी जो स्किन के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड कर रहे होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट होते हैं, वो ऊपर आते हैं और फिर हमारे एपिडर्मल सेल्स बनाते हैं. बट सोरियासिस के अंदर क्या होता है कि ये जो सेल्स है, जो नए नए सेल्स बन रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा फास्ट रेट के अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं. मतलब वो नॉर्मल रेट से 10 टाइम्स फास्ट डिवाइड होना चालू हो जाता है. तो उस वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, वो ज़्यादा माइग्रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा जो सेल्स की जो लेयर है, स्किन की जो लेयर्स हैं, यहाँ पे बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाती है. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किन की लेयर्स जो होती है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है, और ये जो इस तरह से यहाँ पे पैचेस बन जाते हैं स्किन के ऊपर, बहुत सारे एरियाज़ के अंदर पैचेस बन जाते हैं जो कि रेड कलर के होते हैं, बहुत ज़्यादा इची होते हैं. उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा इचीनेस फील होगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन फील होगा. तो अब ये होता क्यों है? बेसिकली क्योंकि यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है. उस वजह से क्या होता है कि यहाँ की जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा फास्ट रेट के अंदर डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है. अब यहाँ पे UVR क्यों देते हैं? क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो यूवी रेज होती है वो इम्यूनो सप्रेसिव होती है. तो इम्यूनो सप्रेसिव मतलब ये हमारी जो इम्यूनिटी है उसको सप्रेस कर देगी. और हमारे इसमें प्रॉब्लम किस चीज़ के अंदर है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो गड़बड़ हो गई है उसके अंदर. तो अगर हम इम्यूनिटी को ही सप्रेस कर देंगे तो फिर अब जो सेल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट रेट के अंदर डिवाइड हो रही है, फिर वो स्लो डाउन हो जाएगी. हमारा जो DNA सिंथेसिस है वो भी स्लो हो जाएगा. तो इस वजह से सोरियासिस को ट्रीट करा जा सकता है यूवी रेज से. और यूवी रेज के अंदर भी जो बेसिकली हमारी लॉन्ग वेवलेंथ वाली जो रेज है, जैसे कि UVA बेसिकली और UVB, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, उसका रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसके अंदर. जैसे कि UVA जो होती है वो बेसिकली पुआ के अंदर सबसे ज़्यादा एमिट होती है, तो इस वजह से पुआ अपैरेटस को बहुत ज़्यादा इसके अंदर यूज़ में लिया जाता है. और पुआ का नाम भी इसीलिए रखा है कि सोरालिन अल्ट्रावायलेट ए, ठीक है. तो इसके अंदर क्या होता है, अगर हमें ना सोरियासिस ट्रीट करना है तो फिर हमें सोरालिन एक ड्रग होती है जो 2 घंटे पहले हमें देनी होती है, ताकि उसकी जो सेंसिटिविटी है और ज़्यादा बढ़ जाए यूवी रेस के लिए पेशेंट की. नॉर्मली ये जो ट्रीटमेंट है ट्वाइस अ डे दिया जाता है, मतलब एक दिन में 2 बार दिया जाता है, और तब तक देते हैं जब तक ये जो भी प्लाक्स हो गए उसकी स्किन के ऊपर वो चले नहीं जाते. सो अब जो हमारा जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिज़ीज़ है जिसमें यूवी रेज जो है वो बहुत ज़्यादा काम आती है, वो है विटिलिगो. तो विटिलिगो भी एक स्किन डिसऑर्डर होता है, और ये इसके अंदर क्या होता है, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हमारी स्किन है और यहाँ पे केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट है, और ये मिलानोसाइट है. मिलानोसाइट क्या करता है कि मिलानिन एक पिगमेंट होता है जिसको प्रोड्यूस करता है, और इस मिलानिन की वजह से ही हमारी जो स्किन जो होती है वो डार्क दिखती है. बट विटिलिगो में क्या होता है कि ये जो मिलानोसाइट है, जो मिलानिन प्रोड्यूस कर रहा है, उसका डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है. ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसके अंदर हमारे खुद के ही जो इम्यूनिटी होती है वो मिलानोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करना चालू हो जाती है. अब क्योंकि मिलानोसाइट जो कि मिलानिन प्रोड्यूस कर रहा है वो ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो मिलानिन भी प्रोड्यूस नहीं होगा, और अगर मिलानिन प्रोड्यूस नहीं होगा
तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि अब जो हमारा जो स्किन है उसके ऊपर वाइट कलर के पैचेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ से जो पिगमेंटेशन है, जो डार्कनिंग है, वो हट रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पर वाइट कलर के पैचेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब इसको हम ट्रीट कैसे करें? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो यूवी रेज होता है वो पिगमेंटेशन करता है, तो अगर हम उसको यूवी ए और यूवी बी, ये अगर हम थेरेपी दें उनको, तो उसकी वजह से क्या होगा, यूवी ए और यूवी बी क्या करेंगे, मेलानोसाइट को स्ट्यूमुलेट करेंगे, वो और ज़्यादा मेलानिन का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएंगे, तो उसकी वजह से वापस से यहाँ पर पिगमेंटेशन वापस से वहाँ पे आ सकता है, जिनके भी वाइट वाइट पैचेस हो गया। बस एक बात का ध्यान रखना, जैसे सपोज़ करो कि मेरे यहाँ पे वाइट कलर का पैच बन गया है, तो जो मेरा ये वाली जो नॉर्मल स्किन है उसको कवर करके रखना पड़ेगा, वरना फिर ये वाली अगर इधर भी यूवी रेस जाएगी तो वो और ज़्यादा डार्क हो जाएगी। तो इस वजह से जैसे अगर यहाँ पे मेरा वाइट है तो सिर्फ इसी को एक्सपोज करके रखना चाहिए, बाकी जो मेरा नॉर्मल वाला जो पार्ट है उसको कवर कर देना चाहिए। तो इसके अंदर नॉर्मली यूवी ए और यूवी बी जो होती है वो काफ़ी अच्छा यूज़ होता है उनका, वो पिगमेंटेशन वापस से यहाँ पे रीपिगमेंटेशन कर देते हैं। और बस एक यूवी बी का ये है कि यूवी बी जो होती है वहाँ पे थिकनिंग भी थोड़ी कर देता है, मतलब कि वहाँ की जो सेल्स होती है उसको थोड़ा और ज़्यादा उनकी जो लेयर्स है उसको बिल्डअप कर दे। तो हमारी नेक्स्ट चीज़ है वो है फॉर्मेशन ऑफ वाइटामिन डी। अब जो यूवी रेज होती है ना, स्पेशली याद रखना यूवी बी और यूवी सी, ये दोनों जो रेज होती है ये हेल्प करती है हमारे वाइटामिन डी के फॉर्मेशन के अंदर। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हमेशा अगर हमें वाइटामिन डी फॉर्म करना है तो हमेशा हमें माइल्ड डोजेस देनी चाहिए, यानी कि सब एरिदमल डोज, जो कि सबसे ज़्यादा माइल्ड होती है, तो हमें हमेशा माइल्ड डोजेस देनी है अगर हमें वाइटामिन डी का फॉर्मेशन करना है। अगर हमने हाई डोजेस दे दी जैसे कि E2 E3, तो उस वजह से क्या होगा कि फोलेट, हमारे बॉडी के अंदर एक फॉलेट होता है, तो उसका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेज़ होने का चांसेस भी हो सकता है, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा, तो वो फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इस वजह से हमें हमेशा याद रखना है कि हाई डोजेस नहीं देनी है। तो जैसे ये हमारी स्किन है और वहाँ पे हम एक्सपोज कर रहे हैं यूवी बी से और यूवी सी की रेस को एक्सपोज कर रहे हैं, तो हमारी स्किन के जस्ट नीचे कुछ स्टीरॉल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि 7-डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, तो ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में वाइटामिन डी के अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं उन कंडीशंस के लिए जैसे रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमलेशिया या फिर ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें वाइटामिन डी की कमी होती है। हमारा जो नेक्स्ट जो यूज़ है वो है एक्ने वल्गैरिस। तो एक्ने का मतलब वही होता है जो पिंपल्स हो जाते हैं हमारे फेस के ऊपर, किसी के आर्म्स पे भी होते हैं, बैक पे भी होते हैं। तो एक्ने को बेसिकली एक्ने होता कैसे है, जैसे ये हमारे स्किन की लेयर है, अब ये हमारा फॉलिकल था, तो यहाँ पे कोई भी डेड सेल या फिर कोई भी डस्ट पार्टिकल या फिर डेड सेल या फिर सीबम या फिर बैक्टीरिया कोई भी आके लॉज हो गया। अब जो बैक्टीरिया था वो प्रोलिफरेट करने लग गया। अब जैसे जैसे वो प्रोलिफरेट करेगा यहाँ पे पस फॉर्मेशन भी होगा, और उसकी वजह से यहाँ पे एक बम्प जैसा दिखने लग जाएगा, जिसके अंदर पस भी होगी, हमारा डेड सेल्स होंगे, सीबम भी हो सकता है, तो ये सारे इन सब की वजह से यहाँ पे एक पिंपल बन जाता है। तो अब ये यूवी रेस इसमें कैसे हेल्पफुल होती है, तो अगर हम यहाँ पे यूवी रेस देंगे, अब इसमें भी एक चीज़ याद रखना कि हमेशा इसके अंदर जो हम डोज देते हैं वो होती है E2 डोज। E2 मतलब कि थोड़ी सी उसका जो डोज होती है वो थोड़ी सी हाई होती है, तो इसके अंदर हम अब थोड़ी हाई डोज क्यों देते हैं, क्योंकि E2 के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे पीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, जो स्किन है, जो हमारी स्किन है उसकी पीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, उसकी जो ऊपर की जो लेयर्स है, वो हटना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे सपोज़ करो यहाँ पे पिंपल था हमारा, अब यहाँ की जो स्किन है वो हटने लग गई E2 डोज देने की वजह से, तो अब यहाँ की जो ऊपर की जो स्किन थी जहाँ पे पिंपल था वो हट जाएगा, तो इस वजह से अब जो हमारी जो नई सेल्स है वो यहाँ पर आ सकती है, तो इस वजह से हमें E2 डोज देनी पड़ती है। और दूसरा है वेजोडाइलेशन। तो वेजोडाइलेशन मतलब कि यहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाती है, तो उस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे ज़्यादा ब्लड आएगा, वो इस एरिया को ज़्यादा ब्लड पहुँचाएगी और जो भी वेस्ट मटेरियल था वहाँ से फ्लश आउट कर देगी,
तो वो भी हेल्प करता है यहाँ पे जो भी स्किन है उसको वापस से रिपेयर करने के लिए। ये और हेल्प करता है हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे बैक्टीरिया भी लॉज हो जाता है, फिर वो प्रोलीफ्रेट करता है, उस वजह से यहाँ पे पस वगैरह बनती है। तो जो बैक्टीरिया जो यूवी रेस होती है वो बैक्टीरिया को किल कर देती है, क्योंकि हम ऑलरेडी हम हाई डोज दे रहे हैं, हम नॉर्मल डोज तो नहीं दे रहे, इस वजह से जो भी यहाँ पे अगर बैक्टीरिया होता है उसको भी वो किल कर देती है। तो एक तरह से उसके पास एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट होता है। तो तीन वजह होती है जो यूवी रेस होती है वो यहाँ पे एक्ट करती है। फर्स्ट इफेक्ट होता है पीलिंग, दूसरा होता है कि यहाँ का जो भी बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको किल कर देती है, और जो तीसरा होता है वो है वेजोडाइलेशन। तो इन सब की वजह से हम यूवी रेस को यूज़ में लेते हैं। बट एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि आजकल हम एक्ने वल्गैरिस के लिए यूवी रेस का यूज़ में नहीं लेते हैं, क्योंकि जितने इसके बेनिफिट्स हैं ना उससे ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे कि अगर हम इसको एक्ने वल्गैरिस के लिए यूज़ में लेंगे तो उसकी वजह से कैंसर होने का भी खतरा रहता है। तो उस वजह से आजकल के टाइम पे एक्ने वल्गैरिस हो गया या फिर एक्जिमा हो गया, वो भी एक तरह की स्किन के डिसऑर्डर होता है, वहाँ पे भी पैचेस बन जाता है रेड कलर के, बहुत ज़्यादा इचीनेस होती है उस पैचेस के ऊपर, तो उसके लिए भी आजकल यूज़ में नहीं लिया जाता है यूवी रेस को। वो हिस्टोरिकल यूजेस थे, पहले के ज़माने में हम एक्ने वल्गैरिस के लिए एक्जिमा के लिए यूवी रेस का यूज़ में लेते हैं। यूवी रेस यूज़ में आती है वो है हमारे स्किन वूंड्स, स्किन वूंड मतलब स्किन पे घाव हो जाना, तब वो इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं और नॉन इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फेक्टेड वूंड्स की। इन्फेक्टेड वूंड मतलब सिंपल वहाँ पे बैक्टीरिया, वूंड के अंदर बैक्टीरिया भी आ गया, उस वजह से अब इन्फेक्टेड हो गया है वो। तो अब यूवी रेस इसमें कैसे हेल्प करती है? तो एक चीज़ जो ध्यान रखनी है हमें इसके अंदर कि हमेशा इसके अंदर हमें हाई डोजेस देनी है। और मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो E4 डोज होती है वो हम ओपन वूंड्स के अंदर देते हैं और वो सबसे हाईएस्ट भी होती है। तो इसके अंदर E3 और E4 डोज दी जाती है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि अब जब हम यूवी रेस इसके अंदर देते हैं तो यूवी रेस करती क्या है? तो यहाँ पे जैसे अब ये इन्फेक्टेड वूंड है, मतलब इसके अंदर बैक्टीरिया होंगे, तो यहाँ पे बैक्टीरिया है जो कि प्रोलीफरेट कर रहा है। तो जैसे ही हम यूवी रेस देंगे तो ये क्या करेगा? इन बैक्टीरियाज को किल कर देगा। तो इसके अंदर एक एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट होता है, तो उस वजह से यहाँ से बैक्टीरिया हट जाएंगे। दूसरा, जो वेसल्स है उसको भी वेजो डायलेशन कर देगा, उनको वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ कर देगा। उस वजह से यहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट्स और जो भी रिपेयर करने के लिए जो उसको एसेंशियल चीज़ें चाहिए वो वहाँ पे पहुँचाएगा, और जो भी अगर डेड सेल्स या फिर जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है वहाँ से वॉश आउट कर देगा। तो इस वजह से ये भी हेल्प करता है कि जो हमारा यहाँ पे जो वूंड हो गया है उसको रिपेयर करे। तो इस वजह से इसके अंदर बेसिकली हमारी जैसे अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं या फिर प्रेशर सोर्स हो जाते हैं या फिर हम जब सर्जरी करते हैं वहाँ पे इंसिजन्स लगाते हैं और वो भी अगर इन्फेक्टेड हो जाए, तो उन सब चीज़ों के अंदर हमारा यूवी रेस काम में आती है। अब दूसरी एक और चीज़ है कि इसके अंदर हम कौन सा वाला लैम्प यूज़ में लेते हैं? क्रोम एयर लैम्प। अब क्रोम एयर ही क्यों? क्योंकि मैंने आपको मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो में भी बताया था, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके आप चेकआउट करें, कि उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि क्रोम एयर लैम्प जो होता है वो हम स्किन के कॉन्टैक्ट में रख सकते हैं, क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस नहीं करता। और वो क्यों नहीं हीट प्रोड्यूस करता है वो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था। सो क्रोम एयर लैम्प हम इसके अंदर यूज़ में लेते हैं ट्रीट करने के लिए हमारे कोई भी अगर अल्सर या फिर कोई भी वूंड हो जाए, और इसके अंदर हम मेनली UVB जो रेज है वो यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट यूज़ है इसका वो है नॉन इन्फेक्टेड वूंड्स। मतलब इन्फेक्टेड वूंड्स में तो अपन ने क्या देखा था, जब अगर बैक्टीरिया वगैरह भी आ जाए वूंड के अंदर तो वो इन्फेक्टेड वूंड हो जाता है। अब सपोज़ करो कि वहाँ पे कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं है, उस वूंड के ऊपर कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं है, तब अपन कौन सी वाली देंगे थेरेपी? UVA की, ठीक है। तो जैसे सपोज़ करना कि पहले एक वूंड हो गया था और उसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह लग गया था और वो इन्फेक्टेड वूंड हो गया था, तो उस टाइम अपन ने क्या दिया? UVB की थेरेपी दी, ताकि जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो किल हो जाए, ठीक है। तो एक बार जब वो सारे बैक्टीरिया वगैरह किल हो गए और वो जो इन्फेक्टेड वूंड था वो नॉन इन्फेक्टेड वूंड के अंदर कन्वर्ट हो गया, तब भी हम है ना एक तो UVA की थेरेपी फिर बाद में देना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर वो स्टार्टिंग से ही उसके अंदर कोई इन्फेक्शन कोई भी तरह का बैक्टीरिया या फिर कुछ नहीं है, तभी भी हम फिर स्टार्टिंग से ही UVA की थेरेपी देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब UVA क्या करता है? ये ग्रैनुलेशन टिश्यू को प्रमोट करता है। ग्रैनुलेशन टिश्यू मतलब कि यहाँ पे
इस वुंड के आसपास नई ब्लड वेसल्स वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो यूवीए की वजह से क्या होगा, जो भी वुंड होगा उसके आसपास नई नई ब्लड वेसल्स बनना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, नया कनेक्टिव टिश्यू बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तरह से क्या करता है, यूवीए जो है वो रिपेयर को प्रमोट करता है। तो इसलिए हम जब इन्फेक्टेड नहीं होता है वुंड, तब यूवीए की थेरेपी देते हैं। और अगर वो इन्फेक्टेड हो, मतलब उसमें बैक्टीरिया हो, तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमें यूवीबी देना पड़ता है। जो है हमारा वो है प्रूराइटिस। अब प्रूराइटिस के अंदर क्या होता है कि हमारा जो बॉडी के अंदर जो बाइल एसिड का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। अब बाइल एसिड बाइल कौन सीक्रेट करता है, लिवर, राइट? तो अगर लिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे सिरोसिस हो गया, तो उस वजह से क्या होता है, जो बाइल होता है उसका लेवल बढ़ जाता है हमारी बॉडी के अंदर। और जब बाइल का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर क्या होने लग जाता है, इचीनेस। वो जो पेशेंट होगा वो बार बार अपने स्क्रैच करेगा अपनी स्किन के ऊपर, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा उसको इचीनेस फील होगी। तो अब इस टाइम पे अपन को क्या करना है, हमें देनी है यूवी थेरेपी, और वो भी बी की स्पेशली। तो जो यूवी बी होता है वो क्या करता है कि हमें इचीनेस फील क्यों होती है, हमें इचीनेस फील होती है क्योंकि जो इचीनेस का जो इचिंग का जो स्टिमुलस है वो हमारे ब्रेन तक जाता है, सीएनएस तक जाता है, और तब अपन को फील होता है कि हमें यहाँ पे इचीनेस हो रही है, और उसके रिस्पॉन्स में हम फिर स्क्रैच करने लग जाते हैं। तो अब यूवी बी क्या करता है कि जो ट्रांसमिशन है, जो इचीनेस की जो फीलिंग हमारे ब्रेन तक जा रही है, उस ट्रांसमिशन को ही रोक देता है। तो उस वजह से क्या होता है, उसको वो इचीनेस वाली फीलिंग ही नहीं आती, तो बार बार स्क्रैच भी नहीं करता। तो इस वजह से क्या होता है, ये रिपेयर को प्रमोट करता है, क्योंकि अब वो बार बार एरिया को स्क्रैच नहीं कर रहा, तो उस वजह से फिर धीरे धीरे वो जो एरिया है उधर रिपेयर जो है वो प्रमोट होता है। इसके अंदर भी एक चीज़ है कि हमें ई नॉट जो डोजेस होती है, यानी कि सब एरिथमल डोजेस, माइल्ड डोजेस, वो देनी होती है इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं यूवी थेरेपी के। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब क्या होता है कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे अपन को यूवी थेरेपी नहीं देनी है। तो जो फर्स्ट है और जो सबसे मेन है वो है आइज। तो आइज में बेसिकली अगर हम यूवी रेस डायरेक्ट एक्सपोजर कभी नहीं करना चाहिए हमें यूवी रेस का, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ये हमारी आई है, यहाँ पे हमारा लेंस है, और ये हमारा कॉर्निया है। तो अगर हम डायरेक्ट एक्सपोजर देंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा कॉर्निया होता है उसके अंदर भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसकी वजह से फोटोकेराटाइटिस होता है, और लेंस के अंदर भी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से कैटरेक्ट्स भी देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताई थी। तो जो बेसिकली जो लेंस को डैमेज करती है रेस, वो होती है यूवीए, क्योंकि यूवीए जो होती है वो हमारी स्किन के अंदर बहुत डीप तक एब्जॉर्ब हो जाती है। तो उस वजह से ये बहुत ज़्यादा जो यूवीए होती है बहुत डीप तक एब्जॉर्ब होती है, और उस वजह से वो लेंस को डैमेज कर देती है। और जो यूवीबी होती है स्पेशली वो कॉर्निया को डैमेज करती है, क्योंकि वो ज़्यादा डीप तक एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, तो इस वजह से वो सिर्फ कॉर्निया तक एब्जॉर्ब हो पाती है, इस वजह से कॉर्निया का इन्फ्लामेशन वगैरह कर देती है। तो इस वजह से आइस का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो इस वजह से प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको गॉगल्स पहनने चाहिए, ताकि वो आपकी आइस को प्रोटेक्ट करके रख सके। तो प्रोटेक्टिव गॉगल्स आते हैं बहुत सारे, तो वो एक्चुअली क्या करता है कि जो यूवी रेज है उसके लिए वो ओपेक होता है, उसको अंदर तक पेनिट्रेट करने नहीं देता। तो इस वजह से प्रोटेक्टिव गॉगल्स जब हम यूवी थेरेपी दे भी रहे होते हैं, उस टाइम भी पेशेंट को प्रोटेक्टिव गॉगल्स वगैरह होते हैं, तो वो वियर करने का बोलते हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट जगह है जब हम उसको सोरालिन ड्रग देते हैं। तो सोरालिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो यूवीए जो होता है उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देता है। तो इस वजह से अगर वो सनलाइट के अंदर भी जाएगा तो भी उसके यूवीए जो है बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी उसकी बॉडी के अंदर। उस वजह से हमें ना जिस भी पेशेंट ने सोरालिन ड्रग ले रखी है, तो उसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको 12 घंटे तक आपको ये गॉगल्स जो है वो पहन के रखने हैं, प्रोटेक्टिव गॉगल्स, ताकि आपकी जो यूवी रेस है वो आपकी आंखों के अंदर पेनिट्रेट ना हो सके। तो इस वजह से उस टाइम पे भी अगर किसी के स्किन कैंसर है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो यूवी रेस होती है वो कार्सिनोजेनिक होती है, मतलब अगर हम बहुत लंबे टाइम से और बहुत हाई डोजेस का यूज़ ले रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, उसके अंदर म्यूटेशंस होने लग जाते हैं, तो उस वजह से वो कैंसर को और प्रमोट करता है।
तो इस वजह से अगर पेशेंट के ऑलरेडी स्किन का कैंसर है तो उधर हम यूवीआर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यूवीआर जो होता है वो कार्सिनोजेनिक होता है। और उसके अलावा कुछ और है जैसे कि पल्मोनरी डिजीज़, जैसे अगर किसी को लंग्स की डिजीज़ है तो उस टाइम पे भी हम नहीं दे सकते, क्योंकि जो यूवीआर है वो उस डिज़ीज़ को अगर हम वो एक्सपोज करेंगे तो वो और ज़्यादा उसको बढ़ाएगा, और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। तो उस वजह से अगर किसी के पल्मोनरी डिजीज़ भी है या फिर कोई कार्डियक डिजीज़ है या फिर लीवर की कोई डिजीज़ है तो उस टाइम पे भी हमें यूवीआर की थेरेपी नहीं देनी होती है। स्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये क्या होता है कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। इसके अंदर हमारा जो खुद का इम्यून सिस्टम है वही हमारी जो हेल्दी सेल्स होता है उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। तो इसके अंदर बेसिकली हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका डिस्ट्रक्शन होना चालू हो जाता है, हमारे स्किन का जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो डिस्ट्रॉय होना लग जाता है। तो उस वजह से अगर है ना हम यूवी थेरेपी इसके अंदर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो अगर जैसे स्किन लीजन्स जो बन चुके हैं इसके अंदर तो वो और ज़्यादा एग्जैसरबेट होंगे, मतलब कि वो और ज़्यादा बढ़ेंगे, उसके उधर और ज़्यादा उसकी जो रिएक्शंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, उधर और ज़्यादा पेन इचिनेस सब उसको और ज़्यादा फील होने स्टार्ट हो जाएगी, जो लीजन्स थे वो और ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस वजह से इस डिज़ीज़ के अंदर भी हमें यूवी थेरेपी नहीं देनी हो।